इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से लाखों की चोरी की घटना को दिया अंजाम। दुकान के पिछवाड़े होकर दुकान का गेट की दीवार काटकर दुकान में किया प्रवेश। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में जुटी। सुबह राहगीरों ने दी दुकान स्वामी को चोरी की घटना की जानकारी। अज्ञात चोर 2 लाख से अधिक का सामान चोरी कर ले जाने में हुए सफल। फतेहाबाद, जैसे जैसे सर्दी और कोहरे का प्रकोप बढ़ने लगा है, जैसे जैसे अज्ञात चोर सक्रिय होते जा रहे हैं। शनिवार की रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा थाना फतेहाबाद क्षेत्र के पारस डेरी के पास एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में पीछे से प्रवेश कर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम देने में सफल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकेश पुत्र सूरज भान निवासी कृपालपुर, जिसकी फतेहाबाद के पारस डेरी के पास इलेक्ट्रॉनिक दुकान है। बताया जाता है कि दुकान स्वामी रोजाना की तरह अपनी दुकान रात्रि 8 बजे बंद कर अपने घर चला गया। अज्ञात चोरों ने दुकान में पीछे बड़े बाड़े की दीवार के सहारे दुकान के पिछवाड़े घुसे और दुकान के पीछे लगे गेट की दीवार काटकर दुकान में प्रवेश कर गए और दुकान में रखे लाखों रुपए का कीमती सामान चोरी कर ले जाने में कामयाब हो गए। दुकान स्वामी को ग्रामीणों ने चोरी की घटना की सूचना दी। दुकान स्वामी मौके पर पहुंचा तो दुकान में रखा लाखों रुपए का कीमती सामान गायब था। दराज में रखे सामान के बिल भी चोरी कर ले गए। दुकान में इधर उधर सामान बिखरा पड़ा दिखाई दिया। दुकान स्वामी दंग रह गया। दुकान स्वामी ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। फतेहाबाद से सुशील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। कौन सी गाँव से? कृपालपुर। आज क्या घटना हुई है? आज रात 2 या 4 बज के लमसम में दुकान की चोरी हुई है। रात में क्या क्या सामान चला गया? सामान गया सीलिंग फैन है, कंसीलाट है, एलईडी है, मथानी है, कॉपर वायर है और कई अन्य मटेरियल भी और गया है। लगभग कितने रुपए का चला गया? कम से कम 2 लाख रुपए का लमसम। 2 लाख रुपए। आपको कब जानकारी हुई? सुबह 6 बजे। कैसे जानकारी हुई? जानकारी हुई जब मैं टहलने के लिए आया, जब यहाँ से पता पड़ा। जब आपने ताले वाले टूटे देखे? पुलिस को सूचना दी। दी। पुलिस आई मौके पर? मौके पर आई। ठीक।